द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथकी राम राम भाई। खटखट टोल प्लाजा मौजूद हाँ और आप मेरा पीछे देखने लग रहे हो, बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पहुंच गए हैं और करनाल की तैयारी है, करनाल की तैयारी है। तो जो झंडे हैं वो भी अपने साथ में ले रहे हैं और पूरी गाड़ी है वो भी आपने दिखावाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है और हज़ारों की संख्या में किसान पहुँचने लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किसान पहुँच चुके हैं तो किसानों से बात करेंगे और कुछ अलग अलग गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ट्रैक्टर है, आइसर की हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और ट्रक वगैरह है, बहुत सी इसमें ट्रैक्टर ट्रैली आई है। तो फिलहाल किसान है, किसानों से बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। मैं सबसे पहले तो तेरे चैनल क्योंकि ये हमारी एक एक बात को एक एक घर तक पहुँचा रहा है। आज की क्या कुछ तैयारी है? आज हमारी करनाल महापंचायत में पहुंचने की तैयारी है, प्रशासन पूरा अलर्ट है, लेकिन हम प्रशासन का सारी दीवारें पार करके सचिवालय का घेराव करेंगे भाई जी। क्या लगता है क्या कुछ फैसला रहेगा आज, कुछ संभावना हो, सुझाव होने की कुछ है? नहीं नहीं नहीं, देखो सुझाव होने की संभावना तो नहीं, लेकिन जो हमारा काम था उन आदमियों के लिए, जो हमारे भाई बस्ताड़ा में शहीद हुए हैं जिनको लाठीचार्ज हुआ था, उसके के लिए विरोध में हमने आज उसका सचिवालय घेराव करना, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम करनाल के सचिवालय के घेराव करें। जो करनाल प्रशासन, उन्होंने कहा कि ये जाए मांग है जो बेबुनियाद है, इनका कुछ नहीं मिलेगा। देखो प्रशासन का काम होता है किसी बात के ऊपर खाम खाई उसको उल्टा वापस धकेलना, लेकिन हमारी मांग जायज है। हमने एक ही कहा कि जो भाई शहीद हो रहा है उसके मुआवजा दिया जाए और उसके एक परिवार को नौकरी दी जाए, और जो लाठीचार्ज हुए हैं जितना जो अधिकारी दोषी है उसको तबादला अच्छा बात नहीं है, सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करके उसको सजा दिलाई जाए। करनाल प्रशासन भी बहुत अलर्ट है और कई टुकड़ियां भी आ चुकी है, आरपीएफ भी पहुंच चुकी है। इस बात की हमें कोई चिंता नहीं, ना हम इस बात की परवाह करते हैं। अगर हम इसको न्यूज़ देख पर उल्टा ढांगे तो हम कहीं भी नहीं, घर से बाहर ही निकल पाएंगे भाई जी। हम इसके लिए करो या मरो की स्थिति में पहले हाथ उठाएंगे नहीं, बाद में हो सकता है उनका लाठी मारना पड़ जाए भाई। और अगर बैरिकेड लगाए मिले तो रास्ते में? बैरिकेड उठाएंगे, एक साइड करेंगे, आगे चलेंगे। और जैसे चटोनी साहब ने कहा कि जहां अगर स्थिति तनावपूर्ण लगे तो वहीं बैठ जाना, धरना देना। देखेंगे वो स्थिति देखने के बाद बात करें, नहीं तो हमारे को पहले दूसरे में कभी तो अगर नहीं, वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो, हम तो पथ पर चलने के लिए तैयार हैं भाई जी। ठीक है। देखो भाई तस्वीर देख सकते हैं, खटखट टोल प्लाजा की तस्वीर है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पहुंच गए हैं और आने लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है तो बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पहुंच गए हैं। हाथ में तिरंगा है और एक किसानी के झंडे ले रहे हैं अपने साथ में। तो भाई जो भी साथी देखे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और फौजी साहब है, ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो करनाल जा रहे हो? करनाल ये इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमारे जो किसानों के सिर फोड़े हैं वो किस, और जो हमारा एक मर गया है उस एसडीएम को उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम जा रहे हैं। और मुआवजे की बात आई थी, करनाल प्रशासन ने कहा कि रोड रोकना बेबुनियाद है, इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। रोड रोकना ये हमारा ये मांगे पूरी कर दे तो हम रोड क्यों जाम करेंगे? हमारे को इतना सिरदर्द तो है नहीं, 9 महीने हो गए हमारे चुतलों में खाड़े पड़ गए हैं बैठे बैठे, और फिर भी ये सरकार नहीं मान रही। तानाशाही, ये तो एक तालिबान सरकार होगी। करनाल प्रशासन भी आज बहुत ज़्यादा संख्या में अलर्ट है और कई टुकड़ियाँ पहुँची है, आरपीएफ भी पहुँची है। आरपीएफ पहुँची है कि वो किस एक मतलब कि वो हमारे सुरक्षा के लिए थी, लेकिन क्या है कि तो सुरक्षा मंत्रियों की कर रही है। तो क्या लगता है कुछ आमना सामना उसका अगर कुछ स्थिति तनावपूर्ण हुई तो? हो सका है तो हम अटने वाले नहीं हैं, वो मारेंगे तो मरने के लिए। वो कहते हैं कि जहाँ राजा हो अन्यायी वहाँ जी करके क्या करना है। ठीक है दे। चलो भाई देख इसको आप, खटखट टोल प्लाजा की तस्वीर है। और हाँ जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है आज? आज बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, और तैयारी क्या है हमारी, तो हमारे तो दुख की घड़ी है, क्योंकि जो ये एक हमारे भाई की जान गई है वो एसडीएम के आदेश के मुताबिक, तो 302 गवर्नमेंट ने पहले ही लगा देनी चाहिए थी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हर उसका आदमी का जो भी अगर मौत होती है तो उसके ऊपर 302 का केस होना चाहिए था, उसको सस्पेंड करके जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी करके ना उसके ऊपर केस चला के ना जेल में डाला जाए।
और करनाल प्रशासन भी पूरा अलर्ट है, RRPF है और कई टुकड़ी आई है, 40 पुलिस की टुकड़ी आई है। वो भी हमारे भाई हैं, बाकी हम जो है हिंसा के लिए नहीं जा रहे, हम तो अपना एक हमारे भाई की मौत होगी उसको 302 की धारा लगवाने के लिए और IGM को सस्पेंड करने के लिए ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। अगर सरकार हमारे ऊपर सख्ती करती है तो करे सरकार, सरकार की तो बाहुबली है भाई, वो हमारे ऊपर जो भी अत्याचार करने हम सहने के लिए तैयार है। अगर स्थिति तनावपूर्ण हुई तो क्या कुछ फैसला लोगे? नहीं, तनावपूर्ण किसान की तरफ से कोई भी तनावपूर्ण नहीं होगा, सरकार तनावपूर्ण करेगी तो हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं। विजेंद्र फौजी महासचिव माजरा खाप चैनल के दर्शकों को राम राम, धन्यवाद। देखो भाई देख सको हो तो ये चलने की तैयारी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दागज हरियाणा आपको लगातार चैनल के माध्यम से दिखाता रहेगा। धन्यवाद।